और अब बारी है हमारे सेगमेंट डीडी डिलाइट्स की। नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की। धारावाहिक श्री कृष्णा के शनिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि बलराम और श्री कृष्ण को पांडवों और कुंती के लाक्षागृह में मारे जाने का समाचार मिलता है। बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं कि इतना दुखद समाचार मिलने पर भी वो दुखी क्यों नहीं दिखाई दे रहे। मैं देख रहा हूँ कि बुआ कुंती और पांचों पांडवों के मरने का तुम्हें कोई दुख नहीं है। हाँ भैया, ये समाचार सुनकर हमें कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है, सो ज्ञानी मनुष्य को किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों श्री कृष्ण इस समाचार से नहीं हुए दुखी और क्या हुआ पांडवों और कुंती के साथ, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में शनिवार को आप देखेंगे कि अश्मपुरी सरदार के लोग गदा के साथ हनुमान का अपहरण कर लेते हैं। पवन देव अश्मपुरी सरदार के लोगों को सजा देकर हनुमान को छुड़ाते हैं। इसके बाद अश्मपुरी अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देता है। पवन देव, इस संकट की घड़ी में भी आप शांत बैठे हैं, आपको अपने पुत्र की तनिक भी चिंता नहीं है। महादेव शिव जिसके रक्षक हैं, उसका हित कोई कैसे कर सकता है। मैंने किष्किंधा के राजा बाली को वचन दिया है, इसे पूरा करना ही होगा। आखिर क्या है अश्मपुरी की योजना और कैसे बचेंगे हनुमान जी इन हमलों से, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। अगर आप धारावाहिक विष्णु पुराण का कोई एपिसोड इस हफ्ते नहीं देख पाए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप इसे बिंज वॉच में शनिवार को 1 बजे से 5 बजे के बीच इसे कभी भी देख सकते हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ वत्स, कि मानव धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु मानव को ज्ञान देकर हमसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मैं हैग्रीव उस ज्ञान का अपहरण करूंगा। धारावाहिक गोलमाल अस्पताल में शनिवार को आप देखेंगे कि अस्पताल का स्टाफ अस्पताल की पब्लिसिटी के लिए एक एड फिल्म बनवा रहा है। अस्पताल का स्टाफ तय करता है कि कौन सा व्यक्ति फिल्म में क्या रोल करेगा। डॉक्टर जीवन इसमें डायरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। अरे ये सिर्फ एड में तुम्हारा पति बनना है, रियल लाइफ में मैं तुम्हारा पति हूँ। एक्शन। वो जो मोहिनी है ना, हाँ? उसको पागलपन का दौरा पड़ा है। सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा ससुर जी, अब मैं आपको जब एक्शन बोलूंगा तो आप बीन बजाना शुरू कर दीजिए। लेकिन क्या एड फिल्म वैसी बन पाएगी जैसा कि वो लोग चाहते हैं, जानने के लिए देखिए धारावाहिक गोलमाल अस्पताल शनिवार और रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक शिलोंग हॉलीडे में शनिवार को आप देखेंगे कि शिलोंग हॉलीडे के लोग काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि इस बार उनके यहाँ ठहरने के लिए एक बड़ी शख्सियत आ रही है। फोटो फोटो खिंचवा लेना, सेल्फी खींचना। अरे इतना बड़ा स्टार जो आ रहा है, क्या क्या कोई क्या हो गया? अरे हम आम इंसान है, वो स्पेशल आदमी देख नहीं रहा है कितने लोग आए उससे मिलने के लिए। आखिर कौन है ये स्टार और इसके यहाँ आने से क्या हंगामा होगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शिलोंग हॉलीडे शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक सड़क के सुपरस्टार के शनिवार के एपिसोड में आप रूबरू होंगे बेहद खूबसूरत लैंड ऑफ स्नोफॉल के नाम से फेमस बोमडिला के यंग टैलेंट से। करता था बहुत प्यार उनसे पर मुझे कर दी लाचार उसने, सोच नहीं था वो ऐसे करेगी, साथ चलते चलते मुझे ऐसे छोड़ेगी। को
कोमिला को बोमडिला की खूबसूरत घाटियों से क्या डांस और सिंगिंग का अनूठा टैलेंट मिलेगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक सड़क का सुपरस्टार शनिवार और रविवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप आनंद उठाते रहिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। और फिलहाल समाचारों में इतना।